बस्तर के कांग्रेस पार्षद कोमल सोना की अवैध वसूली का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 7 दिन से इंसाफ की गुहार लगा रही पीड़ित महिलाओं को अब तक इंसाफ मिलता नहीं दिख रहा है। इसी बात को लेकर इन महिलाओं ने बोधघाट थाने के सामने धरना देना शुरू कर दिया है। इन महिलाओं का साथ भारतीय जनता पार्टी भी दे रही है। गौरतलब है कि संजय गांधी वार्ड की कांग्रेस पार्षद कोमल सोना ने वार्ड की महिलाओं को पीएम आवास दिलाने के नाम पर 25-25 हजार ले लिए थे। 2 साल बीत जाने के बाद भी पीड़ितों को न तो पीएम आवास मिला और न ही उनके रुपए वापस मिले। पार्षद कोमल सोना ने पीड़ितों को स्पष्ट कह दिया कि उन्हें न तो आवास मिलेगा और न ही उनके रुपए वापस करेंगी। इससे आक्रोशित पीड़ित महिलाएं पार्षद कोमल सोना के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने बोधघाट थाने का पिछले 7 दिनों से चक्कर लगा रही हैं, मगर उनके सुनने वाला कोई नहीं। मेरा नाम बालमती बघेल है। मैं संजय गांधी वार्ड की एक सदस्य हूं और हम लोग ने कई दिनों से 2 साल से कोमल सेना को पैसा दिए थे, लेकिन वो हम लोग को गुमराह करते करते आज तक हम लोग को ना घर दी ना पैसा दी। इस वजह से हम लोग रविवार को उनके घर गए थे हम लोग का जो घर के बारे में पूछने के लिए, लेकिन वो हम पर हाथापाई किए। और रविवार तक आज 7 दिन हो गया, लेकिन अभी तक हमारा कोई भी सुनवाई नहीं किए हैं। इसलिए हम लोग ये टेंट लगा के इस जगह पर बैठे हैं ताकि हमारा भी FIR हो और हम लोग का भी न्याय मिले बोल के। और मेरा मुख्यमंत्री जी से ये विनती है कि हमारी भी गुहार को सुने और हमारे लिए कुछ भी कदम उठाए ताकि हम महिलाओं को इंसाफ मिल सके। जो 40 महिला अपने बच्चे को छोड़ के अपने परिवार को छोड़ के इस ठंड के मौसम में इस टेंट के नीचे बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी से मेरी यही विनती है कि हम सब महिलाओं की दुख को देखें और हमारे लिए कुछ भी सही न्याय करें। मेरा नाम झरना बघेल है, मैं संजय गांधी वार्ड से हूँ। हम लोग यहाँ पे जो कोमल सेना हमारी वार्ड की पार्षद हैं उनके नाम से यहाँ पे कंप्लेंट कराने आए थे, जो कि हमको आवास योजना के अकॉर्डिंग जो फॉर्म भरवाए थे, जो पैसा हम लोग जमा किए थे, जो कि वो मुकर गए कि वो पैसा नहीं लिए हैं हमसे और ना ही वो हमको आवास योजना देने वाली हैं। उसी के चलते हम यहाँ पे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने आए थे, जो कि हमारा FIR अभी तक यहाँ पे दर्ज नहीं किया गया है। उस कारण हम यहाँ पे टेंट लगा के सारी 40 के 40 महिला यहाँ पे अड़े हुए हैं। न्याय तो हम लोग को चाहिए सर, न्याय के लिए यहाँ पे अड़े हुए हैं। अब मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, अब वही फैसला करें हमारा क्या होगा, नहीं मिलेगा, हम यहीं अड़े हैं और यहीं रहेंगे। 11 बज रहे हैं, प्रधानमंत्री के आवास दिलाने के नाम से जो ठगी, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, ऐसे हमारी शोषित पीड़ित बहनें इतने रात को भी अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में छोड़कर यहाँ बैठी हुई हैं। और जो सरकार है ये सब कुछ जानते हुए भी, इनके नेता सब जानते हुए भी अपने भ्रष्ट पार्षद को बचाने में पूरी ताकत लगाती हैं। 7 दिवस बीतने के बाद भी पुलिस एक कदम आगे नहीं बढ़ी है, तो ये शासन जागे। हमारे प्रदर्शन के कारण जनता में भी इनका जो ये पाप है ये जनता को भी पता चलना चाहिए। जो चुनी हुई सरकार है, जब सत्ता में आ गई है तो किस प्रकार का तानाशाही पूर्वक शासन कर रही है, तो सरकार भी जगे और जनता भी जगे और इसके माध्यम से ये जो पीड़ित हमारा परिवार है, हमारी बहन है, इनको न्याय मिले, इनका पैसा वापिस हो और संभव हो तो इन्हें आवास भी मिले। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अनिश्चितकाल धरना देने का एक तय किया है और देखेंगे पुलिस कब तक इन नेताओं का संरक्षण के कारण ये पुलिस FIR नहीं करती है और किसी भी सीमा तक भारतीय जनता पार्टी जाने को तैयार है।